यही अब लग रही है हमारे केशवी को। हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईदा। सो आप सबको खूब 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 सारा प्यार है। सबसे पहले आप लोग इतना प्यार 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 देते हो मुझे, केशवी को, जेठू जी को, हेमंत को, मेरी पूरी फैमिली को, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है। तहे दिल से आप लोग बहुत बहुत प्यार देते हो, बहुत ब्लेसिंग देते हो। शायद उस वजह से ही हमारे घर पर जितनी भी मुसीबतें आती है वो सारी टल रही है धीरे धीरे, है ना। और मुझे अभी रिसेंटली 2-3 ब्लॉग्स में ना मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए कि दीदी आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, आप बताते नहीं हो, आप चाहो तो आप हमसे शेयर किया करो। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा फेस आप लोग वहाँ बैठे रीड कर रहे हो। चाहे मैं हंस के बता रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, बट आप लोग मेरे फेस को रीड कर रहे हो, मुझे समझ रहे हो। ऐसा लगता है ना, जब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं मुझे लगता है यार मैं उनके पास हूँ, वो मेरे पास हो, कितना कितना फील करते हैं वो। मुझे दिल से शुक्रिया है। अभी हम जा रहे हैं बीकानेर। बीकानेर इसलिए क्योंकि आज मेरी केशवी को 45 डेज वाला इंजेक्शन लगने वाला है। सो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ, थोड़ी सी डर भी रही हूँ, क्योंकि हेमंत के टाइम तो क्या है, हेमंत को फीवर वगैरह नहीं आया था, हेमंत ने ज़्यादा परेशान नहीं किया था। बट जैसे कि केशवी नाइट में सोती भी नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं केशवी को, तो आप पता नहीं केशवी कैसे रिएक्ट करेगी वो नहीं पता है। और हेमंत भी आ चुका है, हेमंत की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको मैं इसके बाद कल नाइट वाली वीडियो दिखाऊंगी कि हेमंत को जैसे ही बुलाया ना, हेमंत को वहाँ पे भी नेबुलाइज़र वगैरह सब दे रहे थे, क्योंकि हेमंत को भी गले में थ्रॉट हो गया है, पूरा इन्फेक्शन हो गया है, फीवर आ रहा है। तो मतलब एक अलग सा चल रहा है हमारी फैमिली में, हर दिन कुछ ना कुछ चल रहा है हर दिन। तो कोई बात नहीं, हंस के जिएंगे, हम चारों एक साथ हैं तो बस कोई टेंशन नहीं है। और हम चारों के, हमारी पूरी फैमिली, हम एक साथ हैं तो हर प्रॉब्लम से हम निकल जाएंगे। देखो कहते हैं ना कि दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है, तो दोनों चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। लास्ट 45 डेज के अराउंड, मानो 60 डेज से ऊपर हो गए, 2 महीने से ऊपर हो गए, बहुत कुछ फेस किया है मैंने। बट उन सब में सबसे अच्छी जो हुई है मेरे साथ वो है केशवी। तो बस उसको जब देखती हूँ ना, मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और आप लोगों को बता दूँ कि मुझे भी टाइफाइड हो गया है। मतलब ये मान लो कि हर दिन कुछ ना कुछ मुझे हो रहा है, कि मुझे बहुत तेज़ फीवर आ रहा है, फीवर नहीं उतर रहा है, मुझे टाइफाइड के इंजेक्शन्स वगैरह लगने चालू हो गए हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक होते हुए, बट कोई ना, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, प्रेशर की भी। जैसे आपको मैंने ये बताया था, ये वाला जो आंखें कहाँ था वो स्पेशली प्रेशर की वजह से ही हुआ है, बीपी की वजह से ही हुआ है। तो बीपी के टैबलेट अब देना शुरू कर दिए हैं, हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ केशवी के पास, हेमंत के पास, क्योंकि हेमंत को भी यहाँ पे भी एक बार डॉक्टर दिखा देंगे, जहाँ केशवी को दिखाने जा रहे हैं उनसे हम रेगुलर दिखाते हैं केशवी को, हफ्ते में एक आध बार हम चले ही जाते हैं, और आज तो इंजेक्शन लगना है तो वैसे भी जाएंगे। और मैंने केशवी के लिए बहुत कुछ शॉपिंग किया है, वो भी बताऊँगी। मतलब एक अरसे बाद मैंने ना ऑनलाइन शॉपिंग किया कसम से। और ये मेरा रूम है ना हेमंत का, वो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि सारी चीज़ें हम नहीं मैनेज कर पाते हैं, सारी चीज़ें हम कैसे क्या ठीक करें। जो भी हमारा हेल्पर भैया है वो एक है, और जेठानी जी मुझे मतलब अभी नीचे ही नहीं झुकने देती है, कुछ नहीं करने देती है, तो मैं तो कुछ करने लायक हूँ ही नहीं। ये ऊपर के थोड़े बहुत कर लेती हूँ जो भी है, क्योंकि उनको ये मानना है कि अभी कुछ दिन तो रेस्ट कर लेगी, फिर तो गुड़गांव चली जाएगी, वो सूरत चले जाएंगे। नंद लोगों का भी यही है कि फिर सब अलग अलग हो जाएंगे, तो तुझे तेरा काम करना ही होगा। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी सपोर्टिंग फैमिली मिली है, फील प्राउड। कुछ तो अच्छे कर्म किए हैं मैंने कि मुझे ऐसा ससुराल मिला है। सो चलिए मैं आपको केशवी के पास लेके चलती हूँ। रही हमारी केशवी चिंदलची ड्रेस पहन के बड़ी माँ की गोदी में, हम चले, हमारी बैग भी रेडी हो गई। ये रही केशवी की छोटी सी बैग जिसमें सारी चीजें हैं। ये रही, आज हम अम्मा के साथ जाएंगे, आज बड़ी माँ घर पे रहेगी, है ना केशवी? केशवी स्माइल, ओहो बड़ी माँ को देख रही है केशवी। तो हो गई है हमारी केशवी तैयार टनाटन, अब बस गर्म पानी देना। ये सॉक्स खाली खुल ही रहे हैं, इसके पता नहीं क्या है। गर्म पानी डाल दिया, बड़ी माँ ने सारा रेडी कर दिया, अब हम जा रहे हैं, आगे अम्मा है ही, अब हम निकल रहे हैं घर से। केशवी के पापा तैयार हो रहे हैं। चलो, अरे भाई,
छुई लगने वाली है आपको, आपको पता है? आज आप लोगे, आज आप बोलोगे मम्मा आपने मुझे छुई लगा दी, मम्मा आपने मुझे छुई लगा दी। जैसे यार एक बार सुनील ने मेरे को बुद्धू बना के छुई लगवा दी, हंसी आ रही है इसको, मम्मा छुई लगाने जा रही तेरे को। अब डर भी लगता है, पहले डर लगता है तो आए एक चीज दिखवा गया तो डॉक्टर से छुई लगवा गया, इसको भी छुई लगवानी, छुई चलो चलो चलो। सो आज करीबन करीबन 4-5 महीने बाद हमारा घर ना थर्ड फ्लोर में है और लिफ्ट ख़राब है अभी, शाम तक तो उम्मीद है कि ठीक हो जाएगी, उतर रही हूँ। कसम से पैर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा बॉडी वीक हो गई है मेरी, इतनी ज़्यादा जिसकी कोई सीमा नहीं है, उतरने से ही डर लग रहा है, तो चढ़ने से क्या हालत होगा बताओ। So, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं इसकी छोटी बुआ के घर, छोटी बुआ आ रही है, दिखाना छोटी बुआ आ रही है, छोटी बुआ भी डॉक्टर दिखाने जाएगी। बिनू आओ, बिनू घूम रहे हो, छोटी बुआ प्रियंका दीदी भी आ गई है। आई एम हियर गाइस, ये लोग पीछे बैठ जाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग रवाना हो गए हैं, जेठू जी से बात कर रहे हैं, राम सिंह भैया, छोटी दीदी, बड़ी दीदी, प्रियंका दीदी और हेमंत, और यहाँ पे मेरे गोद में है केशवी और ये रही मैं। हाँ जी, तो चलिए अब आगे बताती हूँ केशवी अपनी बुआ से कितनी बातें कर रही है, कितनी मस्ती कर रही है, सुनो। यहाँ पे हम हॉस्पिटल पहुँच गए हैं और सबसे पहले जैसे कि छोटे बच्चे का वेट देखा जाता है तो यहाँ पे मैं केशवी को सुला रही हूँ और मैंने अम्मा को बोला अम्मा आप धीरे से है ना ये चद्दर को ले लेना क्योंकि फिर केशवी रोने नहीं लग जाए। और अभी आप देखना इसको जब सुलाऊंगी ना वो मेजरमेंट होने के बाद मतलब वेट पूरा होने के बाद वो यहाँ पे सोई रहेगी, वो बोलेगी हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे मैं सोई रहूँगी, ये देखो मैं उससे बातें कर रही हूँ। और अब प्रियंका दीदी ने ले लिया है अपनी गोदी में, हम डॉक्टर के पास जाने के लिए खड़े हैं कि भाई अंदर हमारा नंबर कब आएगा और हम कब जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा नंबर आ चुका था, केशवी को मैंने सुला लिया है, पहले डॉक्टर साहब हेमंत को देख रहे थे और ये रही अब लग रही है हमारे केशवी को इंजेक्शन दो, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था कसम से जेठू जी, मेरा फेस इतना गंदा ना, इतना ज़्यादा डर रहे थे हम लोग। फिर मैं यहाँ पे गोद में लेके आ गई थी क्योंकि मेरी बेटी को दो दो इंजेक्शन लगे थे, इतना दर्द हो रहा था मुझे। फिर जब मैं गाड़ी में बैठी थी ना तो यहाँ पे कुछ फैंस मिले थे और उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ आप फ़ोटो क्लिक करवा लो, बट सॉरी दिल से सॉरी क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी उस दौरान और मैं क्या करूँ यार, उसको रखना ज़्यादा ज़रूरी था, बट मैं आप सबसे बहुत सारा प्यार करती हूँ। पे वो लोग आए, हमसे बातें किए, हमारी गुड़िया को खूब सारी ब्लेसिंग दी तो अच्छा लगा। और आज लाडू लोग को दो दो छुई लगी है, दो दो छुई, थोड़ी सी बेतु रोई बट कोई बात नहीं। यहाँ पे राम सिंह भैया, प्रियंका दीदी और मैं, हम तीनों चारों लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, दोनों बुआ का, भतीजे का और हेमंत के पापा का, क्योंकि हेमंत को लेके गए हैं वो ऊपर एक्सरे करवाने उसके नोज़ का, उसको भी थोड़ा सा सांस में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा नाक बंद हो जाता है, खांसी आती है, तो बहुत लंबे टाइम हो गए, एक बार उसको प्रॉपरली दिखा देते हैं। तो यहाँ पे वो लोग गए हैं उसको दिखाने और मैं लेके आ गई हूँ मेरी केशवी को गाड़ी में। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, ये भाई राजस्थान की गर्मी है, गर्मी तो होएगी, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, है ना लाडू, लाडू ओ लाडू, लाडू मेरा प्यारा प्यारा लाडा। तो बीकानेर आऊँ और मैं केशवी के लिए कोई शॉपिंग ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे मैंने उसके लिए बहुत सारी ड्रेसेस परचेस की, फिर हेमंत भी अपने लिए कुछ ले रहा था क्योंकि उसको भी स्कूल के लिए कुछ कुछ चाहिए होता है। आपको पता है जब हेमंत छोटा था ना तब भी मैं इसी शॉप से लेती थी और अब जब केशवी छोटी है ना तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है गर्ल के लिए शॉपिंग करना, मतलब ऐसे मान लो कि एज ए ड्रीम कम ट्रू है, इतनी छोटी छोटी फ्रॉक ड्रेसेस इतनी प्यारी प्यारी, तो मैंने बोला मुझे सारे के सारे गर्ल्स वाले कलेक्शन चाहिए, बॉयज़ का एक भी चाहिए क्योंकि मैंने मेरे बेटे के ऊपर सारे शौक पूरे किए हुए हैं, तो अब मुझे मेरी बेटी के ऊपर सारे शौक पूरे करने हैं। हम सब आए हैं बड़ी माँ के घर पे, पापा अपनी बेटी को लेके, आज एकदम अंधेरा, बड़ी माँ प्रणाम,
कैसी है नीलम? देखो प्रणाम कर पहले। दूध रुपए डब्बो खोली होती है, यहाँ से कट गया, तीन लमक रही खोल देती हूँ मैं आज। चूतो भी तो है मेरे, चूतो भी तो पानी लेके आता हूँ उतार। सो बाबू को दूध पिला दिया है, अब हम लोग कुछ खाएंगे। यहाँ पे अम्मा दादी सो गए। अम्मा दादी थक गया? माँ दुख लगा नहीं, आजकल अब सूट होता ही नहीं है, ट्रैवलिंग वगैरह बिल्कुल भी सूट नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ये लोग पीने खा रहे हैं, खाना खिला रही है। आज बहुत रो रही है भाई मेरी प्रिंसेस, बहुत लोई लोई कर ली है भाई, छुई लगी है भाई तू को, है ना भाई, तू छुई लगी है का? हाँ छुई लगी है भाई। नहीं 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 नहीं, हालत बुरी हो गई आज तो भाई, अब पता नहीं आज की नाइट कैसी जाएगी। इसके बहुत दर्द हो रहा है और दोनों साइड लगी है छुई मेरे बेटे को। देखो दर्द है फिर भी अपनी भाभी को सारी बातें बता रही है ना, भाभी साथ बातें कर रही है। देखिए तू मन में दर्द के लिए बातें सुन रही है। क्या हुआ? खाई देखो मैंने ए मोदी बाबूड़ी रे काई करियो तारे, कंप्लेन कर रही है अपनी बड़ी मां को। ओए हो काई करियो, काई के की चुकरियो, सब सारी कंप्लेन कर रही है आपको, मां की मेरी मां ने ये किया किया बारली काई के दियो। ओ इस ससुर को ले लड़ देख, ओ काई बात की हुई। तो यहाँ पे केशवी ज़्यादा रो रही थी तो दीदी ने बोला कुछ देर मुझे दे दे, मैं रख लेती हूँ गोद में। जेठू जी को नींद आ गई है, अम्मा और केशवी और बुआ छोटी वाली बुआ खेल रहे हैं, और यहाँ पे गाड़ी चल रही है, और ये रही मैं कुछ देर ऐसे ही लेट गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और जब बच्चे की तबीयत ठीक रही तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है यार। फिर यहाँ पे मैं अम्मा को दिखा रही थी, थोड़ी सी शॉपिंग करके लाई हूँ मैं केशवी के लिए, क्योंकि मुझे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है उसके लिए। तो हम घर आ गए हैं, हमारे लाडू रानी का ड्रेस चेंज कर दिया है ना मामा? हाँ, लाडू रानी को उल्टी भी हुई थी, लाडू रानी की तबीयत भी खराब है। आज 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 भाई आज 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 भाई आज चुनू भी तो चुनू भी तो ये चुनू भी तो हाँ चुनू भी तो चुनू भी तो काई हो माँ की गोदी में आने है, जब माँ की गोदी में आने वो कोई कुछ नहीं है मेरे बेटू को, बच नीचे पहुंच लाती हो है तुम्हें कुछ ऊपर नीचे नहीं छूना है। हाँ नहीं छूना, नहीं छोड़ा, क्यों छोएंगे हम नीचे, नहीं छोएंगे नीचे, नीचे कहाँ छोए, हम तो माँ की गोदी में छोएंगे। आहा दूध बनाओ तुम्हें, मैं दूध बना के गर्म पानी हो गया। हाँ दूध बना के लाऊ बेटू, तू तो बेटू को दूध बना के लाऊ। So guys, ये है हमारी छोटी सी गर्ल्स, और यहाँ पे मैं लाली के लिए फिर से शॉपिंग करके लेके आई, बहुत चुन्ने चुन्ने ची ड्रेसेस लेके आई हूँ मैं। मैंने भी माँ का थोड़ा बहुत खर्चा करा दिया, एक रूबिक्स क्यूब ले आया, ब्रश पेंस ले आया, छोटे छोटे दोनों बच्चे भाई को ये भी पुछे पुछे कर, और बॉटल भी ले आया मेरी स्कूल बॉटल। आ जाए आज, आ जाए आज, आ जाए आज, आ जाए आज, आज बहुत सुई दुख रही है, बहुत सुई दुख है, वो चुई दुखे चुई दुखे मर बैठे रे। ना 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 ये ना मैं चिड़िया रुकाई हो, आज केशवी के बहुत ज्यादा दर्द है रे, बहुत ज्यादा दर्द है, इंजेक्शन लगी है, बहुत इंजेक्शन लगी है। हाँ छोटे बाबू आप जो बहुत प्यार करते हो केशवी को, केशवी को और अच्छा बहुत प्यार करना। यहाँ सबसे हार्ड टाइम होता है बच्चों को जब इंजेक्शन लगती है, कसम से, बट लगाना भी जरूरी होता है,
और आज ये मुझे पता है आज पूरी रात मेरी बैंड बजने वाली है, मुझे सोने वाली नहीं है। बहुत हालत बुरी हुई, देखो पूरे दिन सो रही है। ले रही हूँ इसे, हाथ फेर रही हूँ तो ये सो रही है, नीचे एक मिनट भी रख रही हूँ तो ये रो रही है, ये कंडीशन हो रही है। देखो रे, देखो चिड़िया रानी मेरी, ये चिड़िया रानी है मेरी, चिड़िया रानी। अब ये पूरी रात इसको दवाई भी दी है, इसको हल्का हल्का फीवर आ रहा है, डॉक्टर ने पैरासीटामोल दिया है तो पैरासीटामोल इसको देंगे। और हेमंत की भी यही हालत है, हेमंत की भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसको भी डॉक्टर ने एक्सरे करवाया है। ये ना मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, दोनों दोनों मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे। हाँ आवे आवे अम्मा, हेमंत देख के आवे, देख यही सारा चल रहा है, कभी हेमंत कभी केशवी, कभी हेमंत कभी केशवी, और मेरा तो वैसे भी अलग है ना। देखो देखो, देखो मेरे पास सो रही है तो ये सो रही है, देख रहे हो, देखो जैसे नीचे सुलाऊंगी ना तो उड़ जाएगी, ये हालत है। ये तो ऐसे हेमंत को दवाई दी जा रही है, मैं ऐसे एक। और ये रही हमारी केशवी जो कि आज बहुत ज्यादा रो रही है, बहुत ज्यादा। और अगर घर में बात करें तो ये देखो टाइम 12:30 और हम ऐसे ले बैठे हैं क्योंकि आज तो इसको फीवर आना है। अभी यहाँ पे हेमंत को दवाई दी जा रही है, इसकी भी इतनी सारी दवाई है। ये रही इन दोनों की माँ, आज की पूरी रात ऐसे ही होने वाली है हमारी। बाकी सब मेरी जेठानी जी है, हम दोनों मिलके रखेंगे इसको पूरी रात। ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, सबसे भारी काम होता है यार, बच्चे की तबीयत खराब होती है ना। ला 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 ला। यहाँ हेमंत को भाग लग रही है और यहाँ आज की बहन लोई लोई कर ली है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं इसको ना ये वाले सुपर बटन यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा। इसमें कोई प्रमोशन नहीं करी हूँ मैं आप लोगों के साथ, मैंने पर्सनली यूज़ किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को ड्राई शीट में रखना पड़ता है, ये वो, तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ये एक लंगोट पहन के रखनी है और इससे ना बच्चे की पी बाहर नहीं आती है, बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। लेकिन अभी मैं इसको इसलिए नहीं पहना पा रही हूँ ये वाला, क्योंकि मैं इसको नॉट नहीं कर पाऊँगी, मतलब गांठ नहीं बांध पाऊँगी। अभी इसके दोनों साइड में बहुत ज़्यादा पेन है, स्वेलिंग आ चुकी है, बहुत ज़्यादा दर्द है। हाँ तो ओके गाइज, आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग दें। मैंने राजा बेतू को, मैं चोना बेतू को बहुत दर्द है भाई, बहुत दर्द है मेरे बेतू को। सो पूरी रात कैसे जाएगी क्या होगा, बस आप लोगों के सामने रहेंगे। और आप लोग को क्या करना है, खूब सारा प्यार देना, नेक्स्ट वाला व्लॉग जरूर देखना। पूरी रात की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और मेरे राजकुमार की भी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। हेलो इंदु, कमेंट में क्या करना है बेटा, कमेंट्स में लव यू केशवी स्पैम कर दो, स्पैम लिटरल स्पैम। चलो जल्दी सही हो जाओ, चलो ये लोग ऐसी मस्ती कर रहे हैं। सो ओके गाइस, बाय बाय। हाँ लव यू केशवी लिख देना, लव यू केशवी और हेमंत दोनों लिखना है ना। ओके बाय 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 बाय।